Hi everyone, in this video I am going to share with you Teaching Aptitude PY2. It is the syllabus of UGC NET exam paper 1, general paper and NVS, Navodaya Vidyalaya Samiti. This is the question number 46. For conditions that must exist in a classroom before any motivational strategies can be successful, motivational strategies kab successful hota hai? Classroom. Option A, the task set for students must not be authentic. जो टास्क आप स्टूडेंट को दिए हो ऑथेंटिक नहीं है, दैट मीन्स उस क्लास के लिए है ही नहीं, वो आप स्टूडेंट्स को दिए हो, तब क्या मोटिवेशनल स्टडीज काम आएगा? बिल्कुल नहीं, ये काम ही नहीं करेगा. ऑप्शन बी, कॉन्स्टेंट डिस्ट्रप्शन इन क्लास, कंटिन्यूअसली क्लास में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तब पॉसिबल है? नो. ऑप्शन सी, द टीचर मस्ट बी अ सपोर्टिव पर्सन, एब्सोल्युटली ट्रू. अगर टीचर सपोर्टिव पर्सन है तो क्या हो जाएगा, बच्चे जो है ना उसको समझते हैं और बच्चा काम करने का कोशिश करेगा, उसको करेगा. ऑप्शन डी, द क्लासरूम मस्ट बी डिसऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है क्लासरूम, तब पॉसिबल है मोटिवेशनल स्टडीज? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं पॉसिबल है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.